सब वेलकम बैक टू माई चैनल एंड आई एम बैक विद अनदर ब्लॉग। सो जैसा कि मेरा लास्ट जो था मुजफ्फरपुर जंक्शन स्टेशन का वीडियो आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा पसंद आया था, बट उसमें मैंने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फो जो था वो नहीं दिया था, तो मैं आज उसी को कवर करने आ गई हूँ, क्योंकि आई थिंक लाइक मोर देन 60% लोगों को नहीं पता इस जगह के बारे में। तो मैं आज बात कर रही हूँ और मैं अभी खड़ी हूँ प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे और मैं बात करने वाली हूँ IRCTC का जो फूड ट्रैक फूड प्लाजा होता है जो कि ऑल ओवर इंडिया में है, एंड बहुत सारे लोगों को पता नहीं कि हमारे मुजफ्फरपुर जंक्शन में भी ये है। और इसका एंट्रेंस जो है वो या तो आप बाहर से आ सकते हैं पीछे फर्स्ट वाला एंट्रेंस वाला गेट से या फिर प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे और लोग मुझे ढूंढना स्टार्ट कर चुके हैं। सो बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारी डिटेल्स बताना है और ये इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो स्पेशली ट्रैवल करते कहीं और से आते हैं उनके लिए भी, और जो यहाँ के हैं कहीं और जाते हैं तो उनके लिए बहुत अच्छा ऑप्शन है। आप मेरे पीछे में जहाँ पे खड़ी हूँ उसके पीछे मैं अभी दिखाऊंगी, वो पूरा बड़ा सा चार्ट बना हुआ है जिसमें लिस्ट में ना 108 टाइप्स के मील्स हैं, बट आई डोंट नो कि उतने हैं या नहीं, बट जितना कुछ भी होगा हम लोग अंदर बात करेंगे कि यहाँ पे अभी क्या क्या अवेलेबल है। मेरे पीछे में आप देख सकते हैं यहाँ पे जो है एक छोटा मोटा स्नैक्स का भी दुकान है, तो आप यहाँ से स्नैक्स भी ले सकते हैं। और अंदर में जाते हैं वो एक रेस्टोरेंट टाइप का बना हुआ है और पूरे एरिया को कवर करते हैं। देखा तो ध्यान दिया गया, आप देख सकते हैं एरिया जो है काफी क्लीन है, एंड उधर में जो है वो एग्जिट वाला रास्ता है जो कि मैं अभी बाहर जाके दिखाती हूँ। पीछे में जो है आप फ्लैग देख सकते हैं, जो यहाँ मेन बीच में सेंटर में फ्लैग लगा हुआ है उससे यहाँ पे आते हैं तो ये एग्जिट है, या फिर आप स्टेशन पे आते हैं तो आप स्टार्टिंग यहाँ से भी एंटर भी कर सकते हैं, वैसे ये एग्जिट का रास्ता है। सो गाइस जब आप इस पे एंटर करते हैं तो ये राइट साइड में जो है यहाँ पे काउंटर है, एंड ये जो पूरा स्पेस ना विंटर की वजह से खुला हुआ है, बट ये फुली एसी है एंड यहाँ पे वाईफाई भी लगा हुआ है, तो आप अगर आप कुछ खाना मील है।
है और ये इसको बोलते हैं जनता मील। एंड ये स्पेशल क्यों है, क्योंकि इसका प्राइस जो है वो सिर्फ 15 रुपीज़ है एंड ये एकदम गरम गरम है। और यहाँ पे जो है ना ये स्पेशल वेज थाली है जो 160 का है। सो मैं वेज सॉरी जनता मील जो है वो दिखाती हूँ। इसके अंदर जो है ये आलू का है, आलू या छोला भी है, ये आलू है, आलू है। तो ये आलू का सब्जी है एंड इसमें जो है पूरी, अच्छा 7 पीस पूरी आपको मिल जाएंगे गरम गरम एंड पिकल और उसके साथ यहाँ पे पिकल भी है और चिली भी है। और पूरी की साइज भी आप देखेंगे तो बड़ा बड़ा ही है। और यहाँ पे स्पेशल थाली जिसमें आपको ये जो है मटर पनीर मिल जाएगा, ये आलू की सब्जी है, यहाँ आलू गोभी की सब्जी है और यहाँ पे दाल है, ये आलू गोभी की है कि ये आलू गोभी की है, ये सिर्फ आलू है, ये दाल है, ये दही है। यहाँ पे सैलेड में आपको प्याज मिल जाएगा, राइस है और 2 पीस रोटी है। तो ये 160 का थाली है एंड ये सिर्फ 15 रुपीज का थाली है जो कि आप नाश्ते में हो गया ये। सो गाइस मैं सबसे पहले तो ये जो जनता मील है इसकी पूरी जो है ना बहुत अच्छी है, मतलब सॉफ्ट है और मैं कोई तारीफ नहीं कर रही हूँ बट सीरियसली मुझे तो ये सरप्राइजिंग भी लगा। अच्छा इसको थोड़ी देर के लिए 15 रुपये में, मतलब कहीं पे भी आपको इतना 7 पीस पूरी और इतना टेस्टी सब्जी ना, मतलब सब्जी घर वाला जैसा टेस्ट है। और अब ये वाला दिखाती हूँ, इसमें मैंने पहले ही बता दिया बहुत कुछ है एंड एक 1 पर्सन के लिए एक परफेक्ट मील है, लंच या फिर डिनर के लिए तो परफेक्ट है ये, इतना इनफ होगा। एंड मैं ये जो है पनीर मटर पनीर है वो उसके साथ ट्राई करती हूँ। सब्जी का टेस्ट इज गुड, घर पे जैसे हम खाते हैं वैसा सब्जी का टेस्ट ना मुझे ऐसा बिल्कुल नहीं लग रहा है, किसी रेस्टोरेंट ढाबा वाला टेस्ट नहीं है टेस्ट वाइज सब्जी की। मैं कोई भी सब्जी इसको भी मैं ट्राई कर लेती हूँ, ऐसे मैंने दोनों सब्जी खाया ना तो मुझे घर वाला टेस्ट आ रहा है सब्जी का। गोभी का सब्जी भी, मतलब सीरियसली बोल रही हूँ सब्जी का टेस्ट बिल्कुल घर के खाने जैसा, मतलब घर का जैसा होता है सब्जी वैसा है। एंड 160 में ये इतना कुछ परफेक्ट है, आप टेस्ट कर सकते हैं। एंड स्पेशली ये जनता मील तो भाई स्टार है, स्टार मील है ये इस जगह का। आप कुछ भी नहीं खाना चाहते ये ले सकते हो, ये परफेक्ट होगा आपके लिए। मैंने काफ़ी सारी इनको आप लोगों को बताए, मैंने खाना भी टेस्ट कर लिया, चाय भी टेस्ट किया। तो अब जो है मैं बताती हूँ यहाँ का कुछ कुछ इन्फो जो काफ़ी सारे लोगों को पता नहीं होगा। सबसे पहली बात तो ये कि इस ये जो आपको यहाँ पे आप अगर आके खाना चाहते हैं तो मॉर्निंग के सुबह 5 बजे से लेके 12-1 बजे तक ये खुला रहता है, आप आके ब्रेकफास्ट से लेके डिनर तक कर सकते हैं। और उसके अलावा बाकी सब मेन्यू में बहुत कुछ है, काफ़ी सारे यहाँ पे लिखा हुआ है डिलीशियस स्वीट्स, मतलब मिठाइयाँ भी आपको मिल जाएंगी।